right after a long wait. Am I clearly audible and visible to you all? Yes, please. Okay, sorry to have keep you waiting for so long. Chilling. Good evening. Okay. चलिए अब मैं धीरे धीरे टेक गुरु भी बनने वाली हूँ. So it is good to see you, or I am very, very, very sorry for the delay. Let's quickly start. So we have to start with strategies for food enhancement. देखिए पहले फटाफट बता देती हूँ कि इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्या है और हमें क्या पता होना चाहिए. हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी नई टेक्निक्स आई हैं जिससे हम अपना खाना इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशन है, बायोटेक, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, इस पे क्वेश्चन आते हैं. प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, टेक्निक्स और प्रोसेसेस, ठीक है. क्लासिकली इसमें कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. टेक्निक जो आप अप्लाई कर रहे हो उस पर क्वेश्चन आ सकता है. टिपिकली वी हैव टू गो वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी फॉर दिस चैप्टर. ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी फटाफट. आप ऑलरेडी मार्क योर एनसीईआरटी. कुछ कुछ जो मुझे तुम्हें डिटेल में समझाना है वी मार्क इट टुगेदर, अदरवाइज वी गो. एंड जो भी स्टार क्वेश्चन मार्क्स वाली लाइन है वो हम साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है बेटा जी. चलिए जी, हाउज द जोश. ओके, क्यों करनी है हमें इम्प्रूवमेंट फूड वराइटी की? क्योंकि इंक्रीज पॉपुलेशन है, इसलिए ज्यादा खाना चाहिए पॉपुलेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. पहली बात, कैसे कर रहे हैं हम ये? हमने अपने पास एक नई टेक्निक्स लेकर आए हैं ब्रीडिंग के अलावा, जो कि हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर टेक्निक है. स्पेसिफिकली हमें ये ज्यादा डिटेल में पढ़नी है और ये हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी है. गुड, जोश शुड बी हाई. सबसे पहले वो बोलते हैं कि हम जो फूड रिसोर्सेज हैं, देखो एक भूमिका से समझ लो कि फूड हमें कहाँ से मिलता है. प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है. अगर फूड की प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, तो हमें प्लांट और एनिमल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है. तो पहले यहाँ पे हम एनिमल को इम्प्रूव कर रहे हैं चैप्टर में, फिर बाद में प्लांट को भी देखेंगे कि कैसे इम्प्रूव करते हैं. अब ये जो साइंस है जो एनिमल को इम्प्रूव कर रही है, माने वो जो ब्रीड ऑफ एनिमल है जिससे हमें अच्छा खाना मिलेगा, ज़्यादा खाना मिलेगा, गुड क्वालिटी का खाना मिलेगा, उस साइंस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. एंड स्टार क्वेश्चन मार्क, इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चरल साइंसेस का एक हिस्सा है. इसमें हम ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक करते हैं, ठीक है. रेजिंग का मतलब उनको एक अच्छी जगह पे रखना, उनको साफ जगह पे रखना, उनको खाना पीना देना, उनकी बीमारियों से उनको बचा के रखना. ऑल दीज प्रोसेसेस ऑफ फीडिंग, कीपिंग, रियरिंग एंड हेल्थ केयर. फीडिंग, खाना देना, कीपिंग उनको अच्छी जगह साफ जगह में रखना, फीडिंग उनका खाना हो गया, हेल्थ केयर उनकी डिजीजेज हो गई, एंड उनकी रियरिंग माने उनका इस्तेमाल करना फॉर द गुड प्रोडक्ट. मान लो अगर इफ आई एम रेजिंग अ काउ तो मुझे उससे मिल्क चाहिए, तो उसकी रेजिंग मैं किस लिए कर रही हूँ? मिल्क के लिए. तो मिल्क यील्डिंग उसका रियरिंग हो गया. तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए. रियरिंग इज यूजिंग द एनिमल और द लाइफ स्टॉक फॉर अ गुड प्रोडक्ट. ये सब उसकी रेजिंग के अंदर आ जाते हैं. ब्रीडिंग के अंदर क्या आता है? हम बोलते हैं ब्रीडिंग इज इक्विवेलेंट टू मेटिंग, दैट यू चूज गुड क्वालिटी एनिमल्स एंड अ गुड क्वालिटी मेल एंड फीमेल, विच आर सिलेक्टेड मेल एंड फीमेल आर मेड टू रिप्रोड्यूस, और यू कैन से आर मेड टू मेट, और यू कैन से आर यूज फॉर ब्रीडिंग. एक ही बात है, उनकी आपस में रिप्रोडक्शन करा दी, उनकी आपस में मेटिंग करा दी, उनको हमने ब्रीड कर दिया, ताकि जो सिलेक्टेड कैरेक्टर्स थे, गुड कैरेक्टर्स थे मेल और फीमेल में, वो प्रोजेनी में आ गए, यंग वन में आ गए, ऑफस्प्रिंग में आ गए. उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ब्रीड होती क्या है. जैसे हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर सब स्पेसिफिक लेवल पर एक स्पीशीज के नीचे वाला ग्रुप, एक ही स्पीशीज के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर वे,
किस तरीके से रिलेटेड टू ईच अदर है. हम बोलते हैं ब्रीड में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या एक स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हो सकती है. जैसे वी टेक अ स्पीशीज ऑफ डॉग, अब उसके अंदर आपको पमेरियन ब्रीड भी मिलेगी, उसमें आपको जर्मन शेफर ब्रीड भी मिलेगी, उसके अंदर आपको स्पिट्स ब्रीड भी मिलेगी. दीज आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द सेम स्पीशीज, माने डिफरेंट वराइटीज हैं ये. दिस इज डाइवर्सिटी एट विच लेवल, कि आपके पास अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं एट अ सेम स्पीशीज. एक ही सेम स्पीशीज की अलग 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 वैरायटीज है बिकॉज ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन. दिस इज बायोडाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल विद इन अ सेम स्पीशीज. तो ये जो जीन्स हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड है, थ्रू अ डिसेंड उनके पेरेंट्स से, क्योंकि जीन्स कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स से. तो ये डिसेंड का जेनरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ओवर 5 to 6 जेनरेशन. एक ही दादा परदादा है उनके 10 जेनरेशन तक, वो है उनका डिसेंड. डिसेंड का मतलब होता है दादा फिर परदादा फिर परपरदादा, उनसे जो आए हुए हैं वो सब सेम है. उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं दैट दे बिलोंग टू द सेम ब्रीड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ब्रीड क्या है. एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो एक ही स्पीशीज के होते हैं, सब स्पेसिफिक लेवल है, इसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है, और ये जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ओवर 6 to 10 जेनरेशन सेम, तो हम बोलेंगे दैट दे आर ऑफ द सेम ब्रीड. ठीक है. अब जब हम मेटिंग करते हैं तो सेम ब्रीड की भी हो सकती है, डिफरेंट ब्रीड की भी हो सकती है, सेम स्पीशीज की भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीशीज की भी होती है. उनको हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग. एंड इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि जब हम एनिमल्स को ब्रीड करते हैं जो उनकी टेक्निक है वो क्या हो सकती है. हम इन ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, हम आउट ब्रीडिंग भी कर सकते हैं. इन ब्रीडिंग माने व्हेन यू मेट द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, माने सेम ब्रीड सेम स्पीशीज सेम फैमिली ट्री, तो उसको हम इन ब्रीडिंग बोलते हैं. बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टार क्वेश्चन मार्क, मल्टीपल स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट उठा लेंगे. इन ब्रीडिंग का क्या फायदा है, इन ब्रीडिंग से क्या होता है, ये सारी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनता है. इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइन ब्रीड बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी. ठीक है. इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन. ये वर्ड समझना, एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन. यहाँ सिलेक्शन क्या है कि मान लो रिप्रोडक्शन हुई, आपका मेल और फीमेल सुपीरियर क्वालिटी के बीच में मेटिंग हुई, यंग वन प्रोड्यूस हुआ. अब एक तो यंग वन नहीं होते एनिमल्स में, कई बार ज्यादा यंग वन भी प्रोड्यूस होते हैं, तो सबको हमने इवैल्यूएट किया. जैसे उनका एग्जाम लेते ना, कितने नंबर आए, 2, 3, 4, 5, और जिसके कम नंबर आते उसको फेल कर देते कि तू इसी क्लास में रहेगा, अगली क्लास में नहीं जाएगा. राइट. अंटिल एंड अनलेस यू फिट द क्राइटेरिया, उसको बोलते हैं सिलेक्शन. बोलते ना हमारा एम्स में सिलेक्शन हो गया, तुम सबका हो जाए भगवान करे. ठीक है शिवम, आपकी लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो तुम रह जाओगे. तो प्लीज ध्यान से सुनो, अगर सिलेक्शन करना है कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है. जो सुपीरियर क्वालिटीज हम लेना चाह रहे थे पेरेंट से, फेल और फीमेल, अगर वो यंग वन में दिखाई देती है तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, पास करते हैं, नहीं तो फेल कर देते हैं. तो हर बार जब ब्रीडिंग करी जाती है, मेटिंग करी जाती है, यंग वन प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है. और हर स्टेप पे ये सिलेक्शन करा जाता है कि जो भी गुड क्वालिटी है सिर्फ उसी को आगे जाया जाए या उसी से आगे बाकी प्रोसेसेस करे जाए, फेल वालों को ना रखा जाए. ठीक है. सो दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट एवरी स्टेप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच हेल्प्स अस टू एलिमिनेट द हार्मफुल जीन्स विच आर एक्सपोज. और क्या बोलते हैं, इट हेल्प्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स. हाउ, अगेन बाय सिलेक्शन. जिनके अच्छे नंबर आए थे, जो सुपीरियर क्वालिटीज थी उनको सिलेक्ट कर दिया, और जो इंफीरियर क्वालिटीज थी उनको रिजेक्ट कर दिया. कैसे किया, बाय सिलेक्शन. ठीक. एंड
वी से दैट अगर हम इनब्रीडिंग ज्यादा ज्यादा करें तो उसका नुकसान भी है. पता लगे कि कोई भी चीज करते रहे जी बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के कि पहले जी ब्रीडिंग कर दी, हमें तो होमोजाइगोसिटी चाहिए, हमें तो अच्छी क्वालिटी चाहिए, हमें तो रिसेसिव जीन्स हटाने, और फिर पता लगा इनब्रीडिंग करते 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 डिप्रेशन ही हो गया, उसका हाइब्रिड विगर ही खट गए, सारे के सारे रिसेसिव जीन्स ही आ गए, सिलेक्शन करने के लिए कोई है ही नहीं, सारे फेल. हमने इतनी इनब्रीडिंग कर दी, सारे बच्चे पैदा हुए सारे फेल, कोई पास होने लायक है ही नहीं. तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, अब हम इनब्रीडिंग नहीं करेंगे, सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स को आपस में मेट नहीं करेंगे, उनको पास कराने के लिए उनको हेल्प करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, ब्रीड से बाहर जाना पड़ेगा, उनको हम बोलेंगे वो आउट ब्रीडिंग करेंगे. एंड एक लाइन है जिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टार क्वेश्चन मार्क, अ सिंगल आउट क्रॉस often helps to overcome inbreeding. Question आएगा, which of the following will help in overcoming inbreeding? Single outcross, double outcross, multiple outcross, none of these. आपने क्या mark करना है कि किससे आप overcome कर सकते हो your inbreeding depression? A single outcross. बच्चे confused हो जाते हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं NCERT. ठीक है, अ सिंगल आउटक्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. अब ये आउटक्रॉस क्या बना है, हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. ध्यान से सुनना, जैसे इन ब्रीडिंग में सेम स्पीशीज सेम ब्रीड सेम फैमिली था, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों आउट ब्रीडिंग के टेक्निक्स हैं कि अपनी ब्रीड से बाहर जाओ. तो तीन तरीके से बाहर जा सकते हो. क्या तरीके, कि जब आप ब्रीडिंग कर रहे हो, द ब्रीडिंग कैन बी इंडिविजुअल्स विच आर ऑफ द सेम ब्रीड बट डिफरेंट फैमिली ट्री. ना तो मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, आई एम ज्योत्सना ठकराल. ठीक है, एक मूवी में अमरीश पुरी भी बने थे ठकराल द विलियन. हाँ, तो अब हम दोनों सेम फैमिली ट्री के तो नहीं है ना, मेरा फैमिली ट्री अलग है उनका फैमिली ट्री अलग है, भले ही हमारा लास्ट नेम या हमारा स्पेसिफिक नेम सेम है. तो ये जो सेम फैमिली ट्री है, माने फादर ग्रैंडफादर, ये अलग अलग है ना, 6 to 10 जनरेशन वाले नहीं, अप टू 3 जनरेशन वाला फैमिली ट्री वो अलग है, तो भी हम उसको आउट ब्रीडिंग मानेंगे. ठीक है, जब सेम फैमिली ट्री सेम स्पीशीज सेम ब्रीड में रिप्रोडक्शन होती है, भाई बहन वाली, उसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं. जब सेम स्पीशीज सेम ब्रीड बट डिफरेंट फैमिली ट्री, ठीक है, अब वो भाई बहन नहीं है, दूर दराज तक भी भाई बहन नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे दैट इज आउट क्रॉसिंग. सेम स्पीशीज है, सेम ब्रीडिंग है, बट सेम फैमिली ट्री नहीं है, वो अलग कर दिया, तो भी वो आउटब्रीडिंग है सिंपल टाइप की, जिसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग. ठीक है, कि खन्ना जी और एक और खन्ना जी, दो दो खन्ना जी हैं, दोनों की फैमिली ट्री अलग है. ठीक है, तो वो वाला अगर हम आउटब्रीडिंग करेंगे तो उसको हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं, वेरी सिंपल. फिर हम बोलते हैं कि एक होती है कि जिसके अंदर हम ब्रीड ही बदल देते हैं. ठीक, कि इफ यू आर ब्रीडिंग डॉग्स, वन इज स्पिट्स, द अदर इज जर्मन शेफर्ड, टू डिफरेंट ब्रीड्स, देन यू से दैट इट इज क्रॉस ब्रीडिंग. अब स्पीशीज अभी भी सेम है, स्पीशीज सेम है बट ब्रीड डिफरेंट है. एंड इसमें से क्वेश्चन आते हैं स्टार क्वेश्चन मार्क, कि हिसार डेल जो हमने एक क्रॉस ब्रीडिंग करके वैरायटी बनाई थी, किसकी, शीप की, वो किससे बनाई थी, आपका बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स. इस पे तीन तरीके से क्वेश्चन आता है, डैश एंड ब्रैश वर क्रॉस ब्रीड टू फॉर्म योर न्यू ब्रीड हिसार डेल. कौन कौन सी दो वैरायटीज थी, ए बी सी डी दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स. ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वॉज हिसार डेल प्रोड्यूस्ड, was it inbreeding, was it outcrossing, was it crossbreeding, was it interspecific hybridization. आपको क्या मार्क करना है, crossbreeding. Another, they ask which improved variety was created by crossbreeding merino rams or bikaneri ewes. options दिए होंगे अलग अलग,
कि आपके पास ये वाली शीप है, ये वाली शीप है, ये वाली शीप है, आपको क्या मार्क करना है? हिसा डेल. सो देयर आर थ्री वेज अपॉन व्हिच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड आर आस्क्ड अपॉन ब्रीडिंग. ठीक है, स्पेसिफिकली इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, क्यों हो जाता है, इन ब्रीडिंग के क्या एडवांटेजेस है, मल्टीपल स्टेटमेंट. क्रॉस ब्रीडिंग से आपने कौन सी स्पीशीज डेवलप करी है, कौन से नंबर ऑफ आउटक्रॉस से आप इन ब्रीडिंग को करेक्ट कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, वन सिंगल आउटक्रॉस. एंड लास्टली यू हैव इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. जब स्पीशीज ही डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशीज, एंड व्हेन यू हैव डिफरेंट स्पीशीज दैट मीन्स अ हॉर्स एंड अ डोंकी. एंड स्पेसिफिकली जो हम हमेशा पढ़ते हैं म्यूल, खच्चर, व्हाट इज इट, इट्स अ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स. बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें उल्टा करके लिख देंगे, मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी. यू हैव टू मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स. ठीक है, खच्चर और गधा एक बराबर होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ. तो दैट मीन्स इट्स अ लीनेज ऑफ डंकी. तो इट्स अ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स. ये होगी बात ब्रीडिंग की. ठीक है, और क्या ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं जो हम इम्प्लॉय कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द फूड क्वालिटी. वो बोलते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, वेयर द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सुपीरियर मेल एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल. सिंपल, जो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं. और दूसरी है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में लाइन में लिखी भी हुई है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिससे हमने इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाई ताकि हमें इम्प्रूव्ड फीड फूड मिला. वो कौन सी है आपकी एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी बेटा? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक. इसमें हम करते क्या है, यूजुअली ईच टाइम द ओवरी मैच्योर्स इट प्रोड्यूसेस वन और टू मच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स, जिससे हमें एक या दो फीमेल गैमीट्स मिलते हैं. ठीक, अब हम चाहते हैं कि हमें खाना बढ़ाना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा गायें चाहिए जो ज़्यादा दूध दे. तो अब ज़्यादा गायें कैसे लाएं, एक बार में तो एक गाय एक ही बच्चे पैदा करेगी, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा हों कम टाइम में. तो वो कैसे करें? अब प्लांट्स को तो टिश्यू कल्चर से हम ग्रो कर सकते हैं, एनिमल्स को तो नहीं कर सकते, वो तो टोटिपोटेंट नहीं होते. ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई कैन एनिमल्स नॉट बी क्लोन्ड और क्रिएटेड इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज एनिमल सेल्स आर नॉट टोटिपोटेंट. ठीक है, दे कैन नॉट डिवाइड एंड डिफरेंशिएट एंड फॉर्म डिफरेंट स्पीशीज, अनदर टोटिपोटेंसी पे क्वेश्चन. अब वो बोलते तो फिर ये कैसे अचीव करें एनिमल्स में? कहते एक तरीका है, जो भी जेनेटिक मदर है which is going to give birth to the young one, अगर वो हमें सिर्फ और सिर्फ गैमीट दे, जिसको हम बोलते हैं ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, कि हम उसको सिर्फ as a egg donating machine की तरह अगर यूज करें, कि सिर्फ उसके गैमीट्स ले लें, उनकी फर्टिलाइजेशन कर दें और फिर उनको उठा लें, एंड दोज फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड इनटू सम अदर काउ, सो दैट दिस जेनेटिक मदर इज फ्री फॉर अनदर ओव्यूलेशन साइकिल. माने वो फिर से हमें गैमीट दे, उसका काम सिर्फ गैमीट देना है, हम उसके वूम को एक एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए यूज नहीं करेंगे, हम उससे सिर्फ गैमीट लेंगे, हम उसको फ्री रखेंगे कि वो हमें सिर्फ गैमीट गैमीट देती रहे, एंड जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो हम किसी और जगह करेंगे, सम अदर वूम, एंड दैट जेनेटिक मदर विल कॉन्ट्रीब्यूट ओनली गैमीट, एंड इट इज फ्री फॉर new cycles every time we have collected the fertilized embryo. This is the सार कि हमें MOET में क्या करना है, उससे बहुत सारे gametes हमें लेने हैं. Gametes माने ovum, और ovum कैसे बाहर निकलता है ovary से? By a process called ovulation. जब एक ovum ovulate करके ovary से बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं single ovulation. और जब हमें बहुत सारे gametes चाहिए तो multiple ovulation. और कौन सा hormone है जो हमें अपने गैमीट्स को डेवलप कराने में हेल्प करता है? आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अभी पढ़ा है रिप्रोडक्शन में कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ ओवम, योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो क्वेश्चन आता है स्टार क्वेश्चन मार्क, व्हिच टाइप ऑफ हार्मोन इज इंजेक्टेड इन MOET फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन?
बच्चे FSH like hormone is injected into the female cattle, the superior quality female cattle to have multiple eggs. And those multiple eggs are fertilized by two ways. Again, either by natural mating or by artificial insemination. Step आ जाते हैं कि आपको ये step wise arrangement करना है कि MOAT में क्या चीज पहले करी जाती है फिर बाद में करी जाती है. तो पहले आप FSH देते हो, फिर आप artificial insemination करते हो, फिर आप embryo को retrieve करते हो. एम्ब्रियो रिट्रीव करना माने एम्ब्रियो को निकालना. इस पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कितने सेल्स के एम्ब्रियो को रिट्रीव करते हैं. फ्रॉम 8 to 32 सेल्स. जब तक वो अपनी डिफरेंशिएशन स्टेट में नहीं गया, जब तक वो मोरुला स्टेज में है, हम उसको तभी बाहर निकाल लेते हैं फ्रॉम द जेनेटिक मदर एंड देन वी ट्रांसफर इट इन टू द वूम और द यूट्रस ऑफ अ सरोगेट मदर एंड देन वी गिव इट टू द सरोगेट मदर. तो अब फिर से जेनेटिक मदर हमारी फ्री हो गई फॉर नेक्स्ट गैमीट ट्रांसफर के लिए या फिर नेक्स्ट गैमीट डेवलपमेंट के लिए. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसका हेल्प क्या है कि इट हेल्प्स अस टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम. क्वेश्चन आ जाता है विच टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर फूड प्रोडक्शन टू क्रिएट अ लार्ज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम. इज इट क्रॉस ब्रीडिंग, इज इट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इज इट MOAT और इज इट योर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन. तो हर्ड साइज किससे बढ़ता है इन शॉर्ट टाइम? फ्रॉम मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. लाइन्स जिन पे क्वेश्चन बनते हैं आपको वो बहुत ध्यान रखनी है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपको क्या आंसर करना है. MOAT से हॉर्मोन पे क्वेश्चन आ सकता है, MOAT से सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, MOAT से ये आ जाएगा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन हर्ड साइज. दिस इज अबाउट ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन थ्रू एनिमल्स. नाउ कमिंग टू रेजिंग ऑफ एनिमल्स, द साइंस दैट डील्स विद रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स हैज डिफरेंट नेम्स. जब हम डेयरी के लिए करते हैं या हम मिल्क के लिए करते हैं तो उसको हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट कहते हैं. बर्ड्स के लिए करते हैं तो हम उसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं. हनी बी के लिए करते हैं तो हम उसको एपीकल्चर कहते हैं. आपके एक्वेटिक एनिमल्स के लिए अगर हम करते हैं कि उनको पकड़ना, उनको रखना, उनको बेचना, उनको हम फिशरीज बोलते हैं. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिशरीज एज एन इंडस्ट्री किस में डील करती है? सिर्फ फिशेज में नहीं, फिश भी, मोलस्क भी, प्रॉन भी, सारे एक्वेटिक एनिमल्स का कैप्चर, उनका स्टोरेज, उनका मार्केटिंग, सब कुछ फिशरीज में आता है. एक एक करके सबको लेते हैं कि जब हमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट करनी है तो हम क्या क्या देखेंगे, किस किस चीज़ पर ध्यान देंगे. हमें सुपीरियर क्वालिटी चाहिए तो हम सुपीरियर क्वालिटी देखेंगे. विच इज द सुपीरियर क्वालिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास हाई यील्डिंग पोटेंशियल होना चाहिए. हाई यील्डिंग पोटेंशियल माने मोर मिल्क पर लैक्टेशन. वो बोलते हैं व्हाट इज अ हाई कैरेक्टर, मोर मिल्क पर लैक्टेशन, वो हाई यील्ड है. और क्या होना चाहिए? डिजीज रेजिस्टेंस. देयर इज रेजिस्टेंस टू डिजीजेस. ये दो कैरेक्टर्स मुझे चाहिए अपनी फार्म मैनेजमेंट में, सुपीरियर क्वालिटी मेल में, फीमेल में, ताकि मैं एक अच्छा खाना प्रोड्यूस कर सकूं, क्योंकि ये डिजीज रेजिस्टेंस ही मुझे बचाएगी कि मेरा खाना खराब नहीं हो. तो आपको कुछ कुछ डिजीजेस के बारे में भी मालूम होना चाहिए. अ वेरी कॉमन बैक्टीरियल कैटल डिजीज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द कैटल? स्टार क्वेश्चन मार्क. कैन यू नेम वन? टिक टिक. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. महिमा आप बताओ. सोमू क्यों बताए? विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल? द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ बायोलॉजिकल वेपन. वेरी गुड सपना, वेरी गुड कार्तिक. इट इज योर एंथ्रैक्स कॉज बाय बैसिलस एंथ्रासिस. A very common viral disease of cattle.
जिसमें हम आइसोलेट कर देते हैं कैटल को क्विकली, टिक टिक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, where there is froth coming from the mouth, viral disease of the cattle. इन पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, यू शुड नो इट कि कुछ कुछ डिजीजेस के नाम, कुछ कुछ वराइटीज के नाम. एनीबडी? वेरी गुड. द फूड एंड माउथ डिजीज, वेयर देयर इज फ्रॉथ, बोवाइन इनसेफेलाइटिस. अगेन अब इससे भी आ जाएगा, ह्यूमन एंड डिजीजेस से भी है एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी है. व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द बोवाइन इनसेफेलाइटिस इन कैटल? कौन है जी? वेदर इट इज अ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वायरॉइड, प्रायन, कौन है जो इसको कॉज करता है? Which is the causative agent of bovine encephalitis? Very good. It's a prion. Perfect. So, ऐसे question आएंगे, you will be able to solve it. Plus, questions can come on the breeding breeds of cattle. कौन सी आपकी exotic breed है, कौन सी आपकी hybrid है, कौन सी आपकी indigenous है, कौन सी आपकी cow की है, कौन सी आपकी buffalo की है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. काउ, सिंधी, साहिवाल, बफलो, मुर्रा, जफराबादी, विच इज द एग्जॉटिक वैरायटी ऑफ यूएस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, हॉलैंड, हाइब्रिड्स, ऑल हैव बीन मेंशन्ड इन द नोट्स. यू कैन चेक देम, दे विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ उड़ान, विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, चलिए कैटल हो गया, आगे बढ़े फटाफट. चलो जी, पोल्ट्री. पोल्ट्री माने बर्ड. बर्ड का हम एग लेते हैं, बर्ड का हम मीट लेते हैं, ठीक है? और वो बोलते हैं कि मीट वाले बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स. एग वाले बर्ड्स को, या हम उनको जब रेस करते हैं तो उनको हम बोलते हैं लेयर्स. इनके खाने के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके का खाना आप ब्रॉयलर्स को दोगे या किस तरीके का खाना आप लेयर्स को दोगे. यस प्लीज, विच टाइप ऑफ फूड विल यू गिव टू ब्रॉयलर्स, विच टाइप ऑफ फूड विल यू गिव टू लेयर्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क. ब्रॉयलर्स को आप फैट रिच, प्रोटीन रिच फूड दोगे, मसल खानी है उनकी, मीट खाना है. लेयर्स को आप कैल्शियम रिच फूड, स्टोन, ग्रिट, फाइबर दोगे, क्योंकि उनका एग्शेल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें उनसे एग चाहिए. सो दिस इज वॉट यू सपोज टू नो. उनके ब्रीड्स आपको मालूम होने चाहिए, हाइब्रिड, इंडिजिनस और एग्जॉटिक. असील आपका इंडिजिनस वैरायटी है, ब्रह्मा, चित्तागोंग इंडिजिनस वैरायटी है, एक्जॉटिक वैरायटीज आपकी रोड रेड आइलैंड है, व्हाइट लगॉन है. इनके डिजीजेस आपको मालूम होने चाहिए, वायरल बड़ा फैला था थोड़े टाइम पहले, बर्ड फ्लू, फंगल, इजी. यस, व्हाट यू नीड टू नो मोर अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इज कि कौन कौन सी बर्ड्स हैं जिसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. द बर्ड्स विच आर इंक्लूडेड आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड: टर्की, चिकन, डक, गीज. इन सबका एग और मीट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. यस, देन कम्स योर हनी बी एंड योर फिश. हम बोलते हैं फिशरीज और बी कीपिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट, जिसमें से बी प्रोडक्ट्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हनी और बी वैक्स. हनी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? Honey is used as a flavoring agent, honey is used as a medicine, honey is used as a food supplement, honey is used as a sweetener. So, honey ke bahut sare uses hain. Kahan kahan use hota hai? Then, another bee product is your bee wax. Kahan use hota hai? Ye hamare polishing agents mein, cosmetics mein, jo bhi chamkane wali jagah cheeze hoti hain. Kai baar aisa nahi hota jaldi jaldi, pehle jab school jana hota tha, black shoes hote the, gande ho gaye, koi baat nahi, wo chamkane wala wax wala sponge hota hai, wo laga diya. Kuch nahi bacha tha, to Levon bhi laga deti thi. So anything which is waxy, which is shiny, which is for cosmetic purposes, it is derived from bee wax. So bee wax is used. Bee wax ka candles. These are the products of bee wax which can be used. Can be asked. Kahan kahan use hote hain? The only specific product of bee is bee wax. Honey to aapko nectar wale, nectar sucking plants se bhi mil sakta hai, jo aur insects karenge. Bee wax aapko sirf honey bee se milta hai. Agar inko hum culture karte hain, culture maane inki hum
रेजिंग करते हैं, कीपिंग करते हैं, रियरिंग करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं, तो इनकी वैरायटीज मालूम होनी चाहिए. मोस्ट कॉमन एपिस इंडिका, विच इज द एग्जॉटिक वैरायटी ऑफ हनी बी, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. द इटालियन वैरायटी ऑफ हनी बी, कम ऑन क्विकली, टिक टिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am I clearly audible to you all? बेटा रॉयल जेली हम बोलते हैं, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर हनी बीज, कहीं ना कहीं बी वैक्स का, वो कार्डियक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में काम आता है. ओके, वेरी गुड. द इटालियन वैरायटी इज एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्साटा इज अ स्टोन बी कहते हैं उसको, रॉक बी. ओके, ये भी मालूम होना चाहिए. चलो जी, बहुत बढ़िया. अब वो बोलते हैं कि ज्यादा कोई खास मुश्किल है नहीं हनी बी को रखना, बस ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब भी हम हनी बी को रखते हैं, हम बी हाइव्स बनाते हैं बॉक्सेस के अंदर, और हम उनको कहीं भी रख सकते हैं, घर के बरामदे में भी रख सकते हैं, बड़ी जगहों में भी रख सकते हैं. ये ध्यान रखना होगा कि बी को अगर हनी बनाना है तो उसको नेक्टर चाहिए, नेक्टर के लिए आसपास पास्चर्स होने चाहिए, ठीक है, और एग्रीकल्चरल फील्ड होनी चाहिए जहां से वो फ्लावर से हनी बनाने के लिए नेक्टर निकाल के लेके आ सके. तो इट शुड बी नियर बाय दोस प्लेसेस. इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टार क्वेश्चन मार्क. हनी बी एक्ट्स एज अ पॉलिनेटर फॉर विच प्लांट स्पीशीज, स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पे सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियर. एक चीज याद रखना बहुत आसान है, एप्पल और पियर दोनों फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, तो उनके अंदर पॉलिनेशन के लिए हमें हनी बी चाहिए. फिर आते हैं आपका सनफ्लावर और ब्रासिका, आपका दोनों, ये एक मस्टर्ड फैमिली, एक सनफ्लावर वाला, तो ये दोनों ही पीले पीले होते हैं, पीली सरसों पीला फूल, तो सनफ्लावर और ब्रासिका जो पीले पीले होते हैं, राइट, तो पीला और फॉल्स, दो चीजें आपको याद रखनी कि यहाँ पे आपकी हनी बी क्या करती है, पॉलिनेशन करती है. ऑप्शन में अगर इनके अलावा कोई और होगा तो आएगा फाइंड द प्लांट विच इज नॉट पॉलिनेटेड बाय हनी बी, तो कोई भी अगर इनके अलावा होगा तो इट इज नॉट पॉलिनेटेड बाय हनी बी, ठीक है. यूजुअली कोई ना कोई पार्थिनो कार्पिक फ्रूट रख लेते हैं, या तो ग्रेप या तो बनाना, कि उनमें सीड हम बनाते ही नहीं है, उनमें पॉलिनेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हमें सेक्सुअल प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सीड चाहिए ही नहीं, तो वो वाले प्लांट्स का नाम दे देंगे. तो यू शुड नो हाउ टू आंसर. देन व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी भी आपको मालूम होना चाहिए कि इनके अंदर एक ड्रोन होता है, एक क्वीन भी होती है, एक वर्कर भी होती है. व्हाट यू शुड नो अबाउट देम, जो जेनेटिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी क्वीन भी है वो डिप्लॉयड होती है, फर्टाइल, वर्कर भी है वो स्टराइल होती है, बट वो भी डिप्लॉयड होती है, ठीक है, फीमेल फीमेल, और जो ड्रोन होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, मेल. एंड ये जो ड्रोन है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय पार्थिनोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं अर्हिनोटोकी. व्हाट डू वी कॉल इट, दे आर प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस विच इज अर्हिनोटोकी. क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कर एंड क्वीन बी, आपको मालूम होना चाहिए दोनों डिप्लॉयड है, या दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, या वर्कर बी डिफर्स फ्रॉम क्वीन बी इन प्लॉयडी लेवल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, साइज ऑफ क्रोमोसोम्स और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. तो किस में डिफरेंट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, साइज ऑफ क्रोमोसोम सेम है, प्लॉयडी लेवल सेम है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. आपकी जो क्वीन बी है वो फर्टाइल है, वर्कर बी स्टराइल है. क्यों? बिकॉज ऑफ हीट फीडिंग हैबिट्स. ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना जिसको मिलता है वो ज्यादा जो रेस्ट करती है, जो बिल्कुल रानी की तरह रहती है, वो क्वीन बन जाती है. और जो कम सुपीरियर क्वालिटी की होती है, जो ज्यादा काम करती है, जिनको खाना कम मिलता है, वो स्टराइल हो जाती है. तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द फीडिंग हैबिट्स. एंड कौन सा गैमीट है जो कि ड्रोन में डेवलप होगा, द अनफर्टिलाइज्ड गैमीट ऑफ द क्वीन बी इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ ड्रोन. इज दिस थिंग अंडरस्टूड, ऑल द गैमीट ऑफ द ड्रोन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ ड्रोन. कैसे भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन अगर पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि कौन कौन डिप्लॉयड है, कौन कौन हैप्लॉयड है और कैसे डेवलपमेंट होती है. क्वीन भी ज्यादा अच्छा खाना खाती है, कम काम करती है तो क्वीन बन जाती है. वर्कर भी डिप्लॉयड होती है, कम अच्छा खाना खाती है, ज्यादा काम करती है, वो वर्कर बन जाती है. ड्रोन पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप होता है. क्लियर है वैराइटीज,
products and breeds, you should know. Coming back to fisheries, इसपे question आते हैं कि कौन कौन से organisms included हैं आपके सारे aquatic environment, जैसे कि crab, lobster, oyster, prawn, ये सब fisheries में आते हैं. Fish के साथ साथ ये सब भी included होते हैं in the fisheries industry. It's an industry. Fisheries is an industry. It's a place where they are catching and your keeping and marketing of these aquatic animals is done. Aquatic animals. Fish, shellfish, सब ठीक. अब वो बोलते हैं कि फिशरीज के अंदर हमारे पास एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन फ्रेश वाटर है कौन मरीन वाटर. इस पर बहुत क्वेश्चन आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मरीन फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश. मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन होती है कार्प और मैकरल में कि कौन सी फ्रेश वाटर है और कौन सी सलाइन वाटर है या फिर मरीन वाटर है. देखो याद रखना कि जो आपके आइस कैप्स में वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है. सी फॉर कैप, ठीक है, सी फॉर कार्प, वो फ्रेश वाटर होता है. तो कार्प इज ऑलवेज अ फ्रेश वाटर फिश. इंपॉर्टेंट टिक एंड ट्रिप, ठीक है, टिप एंड ट्रिक, सॉरी. अब याद रहेगा कि क्या होती है फ्रेश वाटर फिश, आपकी कार्प फ्रेश वाटर होती है, ठीक है. हम बोलते हैं मरीन वाटर, एम फॉर मरीन, एम फॉर मैकरल, मैकरल मरीन होती है. तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होती है. रोहू कटला मृगाला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रेश वाटर है, ठीक है. सार्डाइन हिलसा पॉम्फ्रेट हम बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारी मरीन वाटर है. दीज आर ऑल एडिबल फिशेज फ्रॉम फ्रेश वाटर एज वेल एज फ्रॉम मरीन वाटर. देन दे से कि हमारी जो इंक्रीज प्रोडक्शन की टेक्निक्स है, जैसे कि एक्वा कल्चर और पिसीकल्चर, नाम दे दिए पर बताया कुछ नहीं इसके बारे में. तो एक्वा कल्चर क्या होते हैं, देखो वाटर का वर्ड है एक्वा, एंड इसके अंदर प्लांट एनिमल हम सबको एक साथ ग्रो करते हैं. कोई सिर्फ एनिमल से लेना देना नहीं है. जैसे फिशरीज में एक्वेटिक एनिमल्स को हम पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं, चाहे वो कोई भी एक्वेटिक एनिमल हो, प्रॉन हो, लॉबस्टर हो, कुछ भी हो, फिश हो, शेल फिश हो. एक्वा कल्चर में एनिमल्स के साथ साथ हम प्लांट्स को भी ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, चाहे वो फ्रेश वाटर का हो चाहे वो मरीन वाटर का हो, उससे कोई फर्क नहीं है. प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, फ्रेश वाटर भी, मरीन वाटर भी, मतलब सारा स्कोप कवर करते हैं. इसमें आप कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग, कि जहां पर आपने फिशेस को ग्रो कर रहे हो उनके फिश सीड्स, जो फिश एग्स होते हैं उनसे फिश बनवा रहे हो, ठीक है, वहां पे आप राइस भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली राइस को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है. तो वो जो आपके राइस सीडलिंग्स है वो भी आप ग्रो कर सकते हो सेम एरिया में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. फिशेस को भी पानी चाहिए, राइस को भी पानी चाहिए. फिश का जो एक्सक्रीटा है वो राइस के लिए एक नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो उनकी नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाएगा सॉइल में, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी. तो दोनों का फायदा है, दोनों की फीडिंग हैबिट्स अलग है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, इसीलिए इंक्रीज यील्ड होगी फिश की भी और राइस की भी. क्वेश्चन आ जाता है स्टार क्वेश्चन मार्क, हाउ और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग राइस एंड फिश टुगेदर, और ऑन व्हाट बेसिस कैन वी ग्रो देम टुगेदर, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश, माने जहाँ वो रहते हैं वो अलग अलग है, नहीं वो तो पानी है. दे हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, यस. दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, यस. तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो कि क्यों हम उन दोनों को साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि एक की रिक्वायरमेंट दूसरे के लिए एक कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, म्यूचुअल है, कोऑपरेटिव है. ओके, कॉम्पोजिट फिश कल्चर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एक्वा कल्चर. जबकि अगर मैं पिसी कल्चर की बात करूं, इट इज लिमिटेड ओनली टू फिशेस. उसमें हम सिर्फ फिशेस या फिर एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं, उसमें हम प्लांट्स को स्टडी नहीं करते. तो ये डिफरेंस है आपका एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर. सारे एनिमल्स हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, कैटल फार्मिंग हो गई, बी कीपिंग हो गई, फिश हो गई, बर्ड हो गई. लेट्स कम टू प्लांट. वो बोलते प्लांट में भी हमने यही किया जी, हमें फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करनी थी तो हमने उनकी ब्रीडिंग करी, ठीक है. और ब्रीडिंग दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे पुराने तरीके से करते थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, कि सिलेक्टेड प्लांट्स चूज किए, उनको आपस में हाइब्रिडाइज करा दिया और नई वैरायटी बना दी जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज आएंगी.
या फिर जो आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर या सिंगल सेल प्रोटीन जैसी टेक्निक यूज करते हैं कि हम ज्यादा प्लांट कम टाइम में बना पाए। आइडिया सिर्फ ये था कि हमें ज्यादा खाना मिले, अच्छा खाना मिले, हाई यील्ड एंड सुपीरियर क्वालिटी फूड हमें मिले। तो हाई यील्ड, सुपीरियर क्वालिटी फूड और ऐसे प्लांट्स जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, वो कहते हैं 25% लॉस तो हमारा इसी में हो जाता है कि जो खाना खराब हो जाता है या हमारी क्रॉप खराब हो जाती है, उससे हमें यील्ड मिलती नहीं है, पहले ही खराब हो जाती है। तो वो ना हो इसके लिए हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज है, उससे फायदा है। जहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंट की ब्रीडिंग हो रही है वहाँ पे लिखा है कि डिजीज रेजिस्टेंट होने का फायदा क्या है। एक तो फायदा ये है कि हमें फर्टिलाइजर्स पे, हमें इंसेक्टिसाइड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। दूसरा, डिजीज होता नहीं है तो हमारी यील्ड अच्छी होती है, डिजीज होता नहीं है तो हमारा लॉस कम होता है। ये सारे फायदे हैं आपको डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने के लिए। अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है, इसके एक स्टेप्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस पे आ जाएगा कि व्हाट आर द सीक्वेंसेस। जर्म प्लाज्म कलेक्शन पे क्वेश्चन आ जाएगा, जो आपका फर्स्ट स्टेप है ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। वो कहते हैं बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको अच्छा बच्चा चाहिए तो उसके लिए पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए, है ना। आज की डेट में जो भी आपके IVF सेंटर्स हैं या जहाँ पर भी आपकी डोनेशन होती है, स्पर्म डोनेशन या एग डोनेशन, आपको पूछा जाता है आपको कैसे पेरेंट चाहिए, आपको कैसी मदर चाहिए, आपको कैसा फादर चाहिए। क्रिकेटर होना चाहिए, डांसर होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए, गुड लुक्स होनी चाहिए। तो वो सब क्राइटेरिया पहले से पूछा जाता है, फिर डोनर चूज किया जाता है। वैसे ही जब प्लांट ब्रीडिंग में हमें एक अच्छा बच्चा चाहिए, एक अच्छा प्लांट चाहिए जिसकी यील्ड अच्छी हो, जिसका डिजीज रेजिस्टेंट हो, जिसका क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा हो, तो उसके लिए पहले पेरेंट्स अच्छे चूज करेंगे। तो हम सारे ब्रह्मांड में पहले ढूंढेंगे कि कौन कौन से अच्छे पेरेंट्स हैं। जी राइस की हमें नई वैरायटी बनानी है, तो सारे राइस के पेरेंट्स ढूंढेंगे, मेल फीमेल, क्या क्या किसके किसके पास अच्छी करेंगे, सबको बुला लो, सबका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो जो सबको बुलाना है, सबका इंटरव्यू लेना है, उसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ गुड जीन्स। पहले हम देखते हैं किस किस के पास अच्छे जीन्स हैं, सबको ले आते हैं, फिर एक एक जीन को हम टेस्ट करते हैं, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, उसको हम सिलेक्ट करते हैं कि ठीक है किसका जीन अच्छा है, कौन सा हमें प्योर लाइन मिल सकता है, उनकी हम सिलेक्शन करते हैं। तो बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इज कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म लुकिंग फॉर ऑल द जीन्स, पूरा का पूरा जीन पूल। तो जहां जहां वर्ड आए जीन पूल, वो किस कौन से स्टेप से रिलेटेड है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जहां पे वर्ड आए जर्म प्लाज्म कलेक्शन, वो किसका है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग जीन्स, सारे सारे जीन्स, जितनी भी जेनेटिक वराइटीज अवेलेबल है, लेवल ना बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, एंड हम उनकी इवैल्यूएशन भी करते हैं और फिर उनकी हम सिलेक्शन भी करते हैं। जो अब हम इनको यूज करेंगे, इनके बीच में हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी है, ठीक है। जीन पूल वर्ड ध्यान रखना, जर्म प्लाज्म वर्ड याद रखना, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी आपने ध्यान रखना है। शिवम, पॉइंट टू बी नोटेड, बट सैडली अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, कलेक्ट करवा लेना चाहिए था। चले सेकेंड स्टेप, जब हमें पेरेंट्स मिल गए, हमने जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर ली, अब हमने उनकी सिलेक्शन और इवैल्यूएशन करनी है। क्या सिलेक्ट करोगे, गुड क्वालिटी हाइब्रिड जो कि होमोजाइगस है, हम बोलेंगे कि जो प्योर लाइन है, अगर नहीं है तो हम बनाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि वो प्योर लाइन अगर हम फील्ड में ग्रो करते हैं तो क्या वो कैरेक्टर शो करता है जो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। There will be selection at each step. Okay. Third, अब जो हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लिए, हमने उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन करा ली, अब जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो डिजायर्ड कैरेक्टर है या नहीं है, हम वो चूज करते हैं। जो डिजायर्ड कैरेक्टर शो करते हैं उनको पास करते हैं, जो डिजायर्ड कैरेक्टर शो नहीं करते उनको फेल कर देते हैं। माने देयर इज अगेन सिलेक्शन, सो देयर विल बी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन व्हिच विल बी फॉलोड बाय सिलेक्शन। इसीलिए हम बोलते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एंड देन उससे फॉलोड बाय सिलेक्शन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करी हमने, यंग वंस प्रोड्यूस करे और उसके बाद फिर से हमने उनको टेस्ट किया, फिर से हमने उनको सिलेक्ट किया। देयर विल बी सिलेक्शन एट ईच स्टेप, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी करोगे फिर सिलेक्शन करोगे, हाइब्रिडाइजेशन करोगे फिर सिलेक्शन करोगे,
तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको सीक्वेंस बनाने के लिए आए कि आपने हर स्टेप के बाद सिलेक्शन वाला स्टेप चूज करना है. वेरिएबिलिटी कलेक्ट करी, फिर सिलेक्शन होगी. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करी, फिर सिलेक्शन होगी. और फिर फाइनली आप उसको फील्ड के अंदर डाल दोगे, उसको रिलीज कर दोगे, उसकी मार्केटिंग कर दोगे. इज दिस थिंग अंडरस्टूड? सिलेक्शन हम किसकी करते हैं जिसमें सुपीरियर क्वालिटी हो, जो हाइब्रिड हमारा ऐसा हो, जो प्योर लाइन हो, उनको हम सिलेक्ट करते हैं. सो हाई प्रोटीन क्वालिटी वाला, डिजीज रेजिस्टेंस वाला, जो हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला, उनको हमने चुन लेना आफ्टर देयर हाइब्रिडाइजेशन. एंड हम उन सुपीरियर क्वालिटीज को अपने आप फील्ड में डालकर, ट्राई कर उनकी इवैल्यूएशन कर उनको मार्केट में बेच देते हैं. ऑब्जेक्टिव याद रखना कि सिलेक्शन प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारे पास इवैल्यूएशन हो और सिर्फ सुपीरियर प्रोजेनी ही हम आगे की तरफ लेकर जाए. सिलेक्शन का पर्पज है टू कलेक्ट ओनली सुपीरियर प्रोजेनी फॉर फर्दर प्रोसेसेस. टेस्टिंग एंड रिलीज, हम उनको टेस्ट करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंटल फील्ड में करेंगे, फिर नेचुरल फील्ड में करेंगे, और फिर हम उनको रिलीज कर देंगे. वेरी इजी. अब वो बोलते हैं कि ये जो हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम है, इससे हमारा इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो गया इंडिया में, जिसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बोला. इंडियन और इंटरनेशनल साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाती है. इंडियन MS स्वामीनाथन, इंटरनेशनल नॉर्मन ई बर्लॉग. आपको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में खाने के लिए. ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फिश को जब हम बोलते हैं कि हमारे पास भी, तो उसको हम ब्लू रेवोल्यूशन बोल देते हैं. एग के लिए हम सिल्वर रेवोल्यूशन बोल देते हैं. ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि रेवोल्यूशन माने क्रांति आई, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई. किसमें आई? अगर खाने में आई, फूड में आई, प्लांट में आई, तो हमें उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं. कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था, क्वेश्चन आ जाता है. 33 से 62 हो गया था, ऑलमोस्ट डबल. फैक्ट बेस्ड है. किस ईयर में आया था, फैक्ट बेस्ड है, कैन बी आस्क्ड, तो आना चाहिए, एक फेयर आइडिया होना चाहिए. फिर वराइटीज पे क्वेश्चन आ जाता है. वीट वराइटी, राइस वराइटी, शुगर केन वराइटी, मिलेट्स. मिलेट्स माने छोटे छोटे दानों वाली जो दालें होती हैं, वैसा वाला, जैसे कि मेज हो गया आपका, ज्वार हो गया आपका, एंड योर बाजरा, ये आपकी मिलेट्स है. इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि हमने इनकी कैसी वैरायटी बनाई थी, क्या अच्छी क्वालिटी थी उनके पास, स्टार क्वेश्चन मार्क. वो वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटीज थी. पहला क्वेश्चन कि मिलेट में जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करी, तो हमने क्या उनके अंदर अच्छा क्वालिटी पैदा किया, वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट पैदा किया. फिर क्वेश्चन आते हैं शुगर केन, नॉर्थ इंडियन वैरायटी कौन है. हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियंस बड़े गरूरी होते हैं, ठीक है, तो बारबेरिक होते हैं, तो उनका नाम क्या हो गया, सैक्रम बारबेरी. जो साउथ इंडियन होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल वाइट कॉलर जॉब्स, ऑफिस जाने वाले होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो ऑफिसिनेरम, सैक्रम ऑफिसिनेरम. तो नॉर्थ इंडिया सैक्रम बारबेरी, साउथ इंडिया सैक्रम ऑफिसिनेरम. पर नॉर्थ इंडियंस की खास बात ये होती है कि वो कहीं भी जाके अपना धम्मा धमा लेते हैं, चाहे वो अफ्रीका चले जाए, अमेरिका चले जाए, कहीं भी चले जाए, दे कैन टॉलरेट ऑल काइंड ऑफ कंडीशंस. उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है ना. साउथ इंडियंस पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छे होते हैं, बट देन वो हर जगह नहीं एडजस्ट हो पाते. वैसे ही हमारा शुगर केन का था, कि जो शुगर केन हमारी वैरायटी थी, उनको खाना अच्छा था, शुगर कंटेंट अच्छा था, स्टेम थिक थी, बट उनका ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में गुजारा नहीं हो रहा था, वो वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे थे. तो ये दोनों क्वालिटीज मिक्स करने के लिए, कि हर एनवायरनमेंट में ग्रोथ हो जाए और अच्छी यील्ड भी हो, तो इन दोनों वैरायटीज को क्रॉस किया गया. दोनों की वैरायटीज के फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, वैरायटीज के नाम पूछ लिए जाते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर वीट एंड राइस. क्वेश्चन आते हैं राइस की, जो हमने सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई थी, ताइचुंग नेटिव कौन से कंट्री का था, टी फॉर ताइचुंग, टी फॉर ताइवान, इजी. फिर हमारे पास जो राइस वैरायटी IR8 है, वो कहाँ से आई थी, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो आपकी फिलिपींस से आई थी, इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IR राइस से आई थी, जो फिलिपींस का है. दो कंट्रीज हैं आपकी, फिलिपींस और ताइवान. अगर ताइचुंग आपको ताइवान से याद हो गया, तो IRRI तो आपको फिलिपींस से याद हो ही जाएगा. ठीक है, वीट वैरायटी हमने कौन सी क्रिएट करी थी, हमने इंटरनेशनली सेमी डॉफ वैरायटीज लाके, वो कहाँ से आई थी, मेक्सिको से आई. कहाँ से थी, मेक्सिको से. बनाई कहाँ हमने, इंडिया में.
क्या नाम दिया उनको, कल्याण सोना और सोनालिका। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि इनके पास हाई हील तो था और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्टार क्वेश्चन मार्क, इनके पास थी डिजीज रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आ जाता है Which of the following varieties of wheat have high yield and disease resistance? Atlas 66, Kalyan Sona, Sonalika, both B and C. तो आपने क्या मार्क करना है? Atlas 66 is the protein rich variety of wheat. ठीक है, वो disease resistant नहीं है. If to choose, तो आपने मार्क करना है both B and C. या दोनों में से अगर कोई एक दिया है तो वो मार्क करना है. इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं on wheat varieties. Jaya and Ratna are the varieties of wheat, rice, maize, sugar cane. So Jaya and Ratna are the varieties of rice. जो हमने सेमी ग्रो वैरायटी से अपने कंट्री में बने. Is this thing understood? They had better yield. किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? Example based क्वेश्चन आएगा, character based क्वेश्चन आएगा. ठीक, फिर वो पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आप प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हो, आप हाई यील्ड के लिए प्लांट ब्रीडिंग करते हो, और किसके लिए प्लांट ब्रीडिंग करते हो? डिजीज रेजिस्टेंट के लिए प्लांट ब्रीडिंग करते हो, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने के लिए. तो आपको डिजीज भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं. फंगल डिजीजेस के नाम आने चाहिए, बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम आने चाहिए, वायरल डिजीजेस के नाम आने चाहिए जो यहाँ मेंशन है, और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेंशन है, रस्ट, स्मट, पाउडरी माइल्ड्यू, ये सब आपके फंगल डिजीजेस हैं. आपको पता होने चाहिए कि कौन कॉज करता है. जी फंगस कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. ठीक है, हु कॉजेस दीज डिजीजेस यू शुड नो. देन बैक्टीरियल डिजीजेस, कौन कॉज करता है आपका बैक्टीरियल, यहाँ पर ब्लैक रस्ट ऑफ रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफरेसी जिसको हम ब्रासिकेसी का पुराना नाम बोलते थे, वो हमारे कौन है, कौन कॉज करता है, वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं. विच ऑफ The following is a bacteria that causes diseases in plant. बहुत आ जाते हैं. आपका citrus canker is a bacterial disease. कौन cause करता है? आपका xanthomonas cause करता है. So these are certain fact based from classification which you should know. We have mentioned all the plant diseases, whether they are bacterial, fungal, viral, in your notes. You can have a look at them. ठीक है, कि कौन कौन से आपके बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, कौन कौन से आपके वायरल डिजीजेज हैं, कौन कौन सी आपकी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, ऑल हैव बीन मेंशन्ड. ठीक है, अब बच्चों को दिक्कत होती है, यार ये नाम नहीं याद होते हैं, कौन सी किसकी वैरायटी है. सबसे पहला तो सारी वैरायटीज में पूसा होता है, चाहे वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, चाहे वो हाई यील्ड वाली है, चाहे वो ये वाला टेबल है, चाहे वो ये वाला टेबल है, सब में पूसा है. ठीक है, सब में पूसा याद कर लो, एक्सेप्ट वीट जिसमें हम हीनगिरी पढ़ते हैं, एक्सेप्ट एक जिसमें हम हीनगिरी पढ़ते हैं, सब में पूसा है. अब पूसा का बाद वाला नाम याद करना है. ठीक है, ये आपकी हाई यील्डिंग वाली है, ये आपकी डिजीज रेजिस्टेंट वाली है. अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट वाली देखो छोटी है ना, तो इनका नाम हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी है. अब बीन याद करनी है अगर, तो बीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सेम, सेम की फली है ना, तो वो सेम हो जाएगी. बीन इज योर लेग्यूमिनस प्लांट, हिंदी में उसको बोलते हैं सेम की फली. तो बीन की होगी पूसा सेम, चाहे वो पूसा सेम टू है, चाहे पूसा सेम थ्री है, सेम इज फॉर बीन, याद रहेगा. ठीक है, अब आई भिंडी. एक भिंडी की डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई थी वाइल्ड वैरायटी से, उसको बोला था वो क्रांति लेके आई थी, प्रभानी क्रांति, है ना. तो हमने नी यूज करना है भिंडी का, कि जाते हो ना यूजुअली किसी भी दुकान पे जो हमारी लोकल सी होती है, पर्दे ही पर्दे, हाँ गद्दे ही गद्दे, वैसे भिंडी नहीं भिंडी आपने याद रखना है, भिंडी नी भिंडी, हाँ एन ई. उसकी वाइल्ड वैरायटी थी प्रभानी क्रांति, उसकी जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हमने बनाई थी वो सवानी थी. तो सवानी और प्रभानी किसकी है? भिंडी नी भिंडी की. ये आपको याद रखनी है, याद रहेगा, ईजी है, पूछा सबके आगे है. ओके, अब बचा हमारा पहला वाला जिसको हम बोलते हैं ब्रासिका, या आपका मस्टर्ड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राई. मस्टर्ड इज व्हाट? राई का दाना, सरसों का दाना. ठीक है, तो सरसों और राई, ये जो राई होती है हम उसको बोलते हैं ना एंड में आर ए आई, जिसके एंड में आर ए आई आए, जिसके एंड में आर ए वी टाइप आए, गौरव, पूसा गौरव, रा वाला, वो आपने राई याद रखना. या दो याद हो गए तो ऊपर वाला तो वैसे ही आसानी से याद हो जाना है.
सीक्वेंस आपने याद रख लेनी है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, BFO, ठीक है? तो बेस्ट के लिए ब्रासिका, मस्टर्ड, राई, गौरव. देन यू हैव योर नेक्स्ट वन, कौन सा था? बेस्ट फ्रेंड, F, जो आपका फ्लैट बीन, सेम सेम टू सेम थ्री, फॉर एवर, ओ, ओकरा, भिंडी, भिंडी नी भिंडी, प्रभानी, सवानी. तो ये सवानी होगी, सब में पूछा है. एक तो ये होगी वैरायटी नाम याद करने का तरीका. फिर आपको याद करने की जो किसके अगेंस्ट एक्टिव है, दो याद कर लो, ऊपर और नीचे का. स्टार्ट किससे करेंगे? फर्स्ट से जो ऊपर है. ABCD में सबसे पहले कौन आता है? A, एसिड्स, ठीक है? फिर सबसे नीचे वाला आपका ABCD में नेक्स्ट कौन आता है? B, बोरर्स. तो ऊपर एसिड्स, नीचे बोरर्स, और बीच में सारे एसिड, जैफिड और बोवर. तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर में बी में ए स्टार्ट वाला एसिड, तो ब्रासिका, मस्टर्ड, राई की जो वैरायटी थी हमारी, पूसा, गौरव, वो किसके अगेंस्ट है? वो एसिड्स के अगेंस्ट है, ठीक है? और जो आपकी सबसे नीचे वाला था बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, FO वाला, आपका ओकरा वाला, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट होगा? ABC में बी ए के बाद क्या आता है? बी बोरर. तो वो बोरर था. और जो बीच वाला है फ्रेंड फ्लैट बी, उसमें सारे हैं एसिड, जैफिड और बोरर. वेरी इजी, याद हो गए कौन किसके अगेंस्ट है. कुछ ना याद आए तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर याद कर लेना, पूसा सब में है, ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है. इजी, कुछ मुश्किल नहीं है. इज दिस थिंग अंडरस्टूड टू ऑल? इट इज वेरी इजी, जस्ट थोड़ा सा इसको ट्रिकी तरीके से याद करना है, सीक्वेंस वाइज, टेबल वाइज हमने याद करना है. चले आगे. अब नेक्स्ट हमें टेबल याद करना है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज की बजाय, अब हमें याद करना है आपके इंक्रीज्ड यील्ड वाली वैरायटीज का. इंक्रीज्ड यील्ड वाली वैरायटीज जो इससे पहले वाले स्लाइड पर, कि अब हमें इनके नाम भी याद करने हैं. इसमें भी वीट है, इसमें भी ब्रासिका है, इसमें भी कॉलीफ्लावर है, इसमें भी काउपी है, इसमें भी चिली है. ये सब कैसे याद करें? सब पूसा, पहले तो ये याद कर लो. एक्सेप्शन एक वीट है, वो हिमगिरी वैरायटी है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है? अब गेहूं में क्या रेजिस्टेंट हो सकते हैं? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रस्ट ऑफ वीट, तो वो किसके अगेंस्ट है? वो रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है? अब बच गई हमारी सारी BCCC, ठीक है? ब्रासिका, कॉलीफ्लावर, काउपी, चिली, सारे ही सी है ना? एक कॉली है, एक काओ है और एक चिली है, ठीक? इनको याद करने का तरीका क्या है? अगेन सब में पूछा है, आपको सिर्फ पीछे वाला याद करना है, ठीक है? चिल्ली माने मिर्ची, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि अब इसके अपने अपने तरीके हैं, देखो याद रखने के लिए. काओ, CO और KO, अगर वो CO है तो उसके साथ KO आएगा, साउंड दोनों का को है, काओ और कोमल, तो पूसा कोमल के अगेंस्ट है, काउपी. देन कम्स योर चिल्ली, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी मिर्च, ठीक है, मिर्ची वाला. तो इसके अंदर आपका सदाबहार. Easy way to remember is that सबको मिर्ची लगती है, ठीक है? सबको मिर्ची लगती है, तो मिर्ची का सब सदाबहार, ऐसे मैंने तो याद किया था. फिर आपका आ जाता है कॉलीफ्लावर, जो आपका फूल गोभी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? बॉल जैसी होती है वो फूल गोभी, उसके अंदर छोटे 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 गोभी वाले जो फूल होते हैं वो बॉल जैसी होती है, तो स्नो बॉल हम बोलते हैं कि वो हमारी कौन सी है? पूसा स्नोबॉल. उसके अगेंस्ट हमारी ये डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है. व्हाइट कलर की होती है गोभी, स्नो जैसी होती है, बॉल जैसी होती है. तो कॉलीफ्लावर आपका क्या हो गया? स्नोबॉल. काउपी को काओ को कोमल, पूसा कोमल. और चिल्ली सबको मिर्ची लगती है, सब स वाला सदाबहार. इजी है, याद रहेगा. अब रह गया हमारे पास सिर्फ ब्रासिका, मस्टर्ड, राई, जिसको हम सरसों बोलते हैं, तो वो सरसों वाला स्वर्णिम. जैसे हमारे पास भिंडी का सवानी था, वैसे ही सरसों का स्वर्णिम है. यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर दीज, इन पे किसी के ऊपर भी उठा के क्वेश्चन आ सकते हैं. ट्राई टू मेक अ सिंपल, कि पता लगे निमोनिक याद करने में हम निमोनिक भूल गए और फिर हम उसकी वैरायटी भी नहीं ध्यान रख पाए. शॉर्ट में, छोटे में, रिलेटेड में, सबके आगे पूछा लगेगा. बीन के लिए सेम लगेगा, भिंडी के लिए सवानी, प्रभानी रहेगा. ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा? आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू. ओके, तो
तो ये हमारी हो गई इंक्रीज्ड हाई यील्डिंग वैरायटी एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, जिसमें आपको डिजीज रेजिस्टेंट के लिए डिजीजेस पता होने चाहिए कि कौन सा आपका डिजीज है, बैक्टीरियल, कौन सा है वायरल, कौन सा है फंगल, ठीक है. इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज जिसके हमने नाम याद कर लिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो इंसेक्ट है किस पे इन्फेक्ट करता है. वो बोलते हैं कि तीन तरीके के कारण होते हैं जिससे इंसेक्ट आपके पास आता है. अगर आप वो कारण बदल दो तो इंसेक्ट आपके पास नहीं आएगा. मॉर्फोलॉजी आपकी कुछ ऐसी है कि इंसेक्ट आपके पास आता है, फिजियोलॉजी आपकी कुछ ऐसी है कि इंसेक्ट आपके पास आता है, या आपकी बायोकेमिस्ट्री ऐसी है कि इंसेक्ट आपके पास आता है. बदल दो इनको, आएगा ही नहीं. मॉर्फोलॉजी बदल दो, आपकी मॉर्फोलॉजी में बाल ले आओ बहुत सारे, बाल वाला आदमी कोई पसंद नहीं करता, इसके शरीर पे कितने बाल है. तो अगर आपके पास एक हेयरी वीट होगा तो उसमें सारे इंसेक्ट फंस जाएंगे तो वो नहीं आएगा, मॉर्फोलॉजी बदल दी. मोटा कर दो, उसको भी कोई पसंद नहीं करता, आजकल इंक्लूसिव है ही नहीं. तो थिक स्टेम के पास भी नहीं आएगी, है ना. स्मूथ लीव्स कर दो कि एकदम पतली सी, एकदम स्मूथ चिकनी सी लीफ हो जाएगी, इंसेक्ट आएगा फिसल जाएगा, वो बेचारा रुक ही नहीं पाएगा. तो व्हेन यू चेंज द मॉर्फोलॉजी आप अपने आप को इंसेक्ट से बचा सकते हो. अब कौन कौन ये चेंजेस लेकर आते हैं, हम बोलते हैं कि कॉटन और वीट अपने अंदर हेयरी लीव्स लेकर आते हैं ताकि वो अपने आप को इंसेक्ट से बचा सके, जैसे कि जैसिड और सीरियल बीट लीफ बीटल, ठीक है. उसी तरीके से आपकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी प्रोड्यूस करे जाते हैं कि वो नेक्टर ही ना बनाए, नेक्टर लेस फ्लावर हो जाए उसका. अगेन ये कौन बनाता है, आपका कॉटन बनाता है कि उसकी स्मूथ लीव्स भी हो जाती है, ऊपर से नेक्टर लेस भी हो जाता है. और केमिकल बहुत क्वेश्चन आता है कि देखो अगर आपका एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप एसिडिक हो जाओगे, बिल्कुल मिठास नहीं है आपने, जब बोलते हो एकदम मिर्ची की तरह एसिडिक बोलते हो तो कोई आपके पास नहीं आएगा. तो जिसमें मीठा कम और एसिडिक कंटेंट ज़्यादा, एसिडिक कंटेंट में आपके एसिटिक अमीनो एसिड जैसे कि एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा और शुगर कंटेंट कम, ना उसके पास प्रोटीन है ना शुगर है, वो कहेंगे मैं क्यों जाऊँ इसके पास, ना इसके पास नाइट्रोजन प्रोटीन कंटेंट है, ना इसके पास शुगर कंटेंट है, ऊपर से इतना एसिडिक है, छोड़ इसको नहीं जाएंगे, इस पर इंसेक्ट नहीं आएगा. तो वो आपके बायोकेमिकल चेंजेस है जिससे आप इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हो. अब ये सारे चेंजेस कैसे आएंगे, जब आपके पास रिस्पेक्टिव जीन्स होंगे जो ये मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे. जिस प्लांट के पास वो जीन है उससे आपने ब्रीड करा देना है हाई यील्डिंग वैरायटी को, तो वो हाई यील्डिंग भी हो जाएगी और वो इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो जाएगी. ये उनका एक तरीका है. फिर वो बोलते हैं कि अब ये हाई यील्डिंग वैरायटी के जीन्स तो मिल जाते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट के भी हमें जीन्स मिल जाते हैं, ये डिजीज रेजिस्टेंट के जीन नहीं मिलते, बड़े औखे हैं मुझे, क्या करें, कहाँ से लेकर आए. कह रहे कोई बात नहीं, अगर जीन नहीं मिलता तो ना से हम बना लेंगे. कहते ना कि अगर लाइन में खड़ा हो रहा है, बड़ी लंबी लाइन है, हम क्या करें, इसमें तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा. तो कह रहे कोई बात नहीं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाएंगे, तो हम अपनी लाइन खुद बनाएंगे, तो हम अपना जीन भी खुद बनाएंगे, हम म्यूटेशन करेंगे, ठीक है, और नया जीन बना लेंगे. तो इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं. किन के लिए करी जाती है, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाने के लिए म्यूटेशन ब्रीडिंग करी जाती है. इसमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग से क्या अलग है, क्वेश्चन आता है, स्टार क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज डिफरेंट इन म्यूटेशन ब्रीडिंग दैन कन्वेंशनल ब्रीडिंग. सब कुछ सेम है, सिलेक्शन करेंगे, अच्छे पेरेंट्स चुनेंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर बच्चों की भी सिलेक्शन करेंगे, फिर मार्केट रिलीज करेंगे, बस क्योंकि जीन अवेलेबल नहीं है, जीन पूल नहीं है, तो फिर हम जो फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी उसको बदल देंगे. वहां पे हम करेंगे इंड्यूशन या इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन. अब कैसे लेकर आओगे म्यूटेशन, म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, दैट इज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस बदल दोगे और जेनेटिक कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, अब म्यूटेशन आ जाएगी. कैसे बदलोगे, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, तीनों तरीके से बदल सकते हो. फिजिकल गामा रेस से, ठीक है, हमने बनाई हुई है फिजिकल रेडिएशन से एक वैरायटी जो कि मेंशन भी आपके एनसीईआरटी में, जिसको हम बोलते हैं मूंग बीन, कि हमने एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं कि हमने मूंग बीन बनाई थी, ठीक है. फिर वो बोलते हैं और क्या बनाया था, वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट थी, वो आपके येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू, वायरल और फंगल दोनों डिजीजेस के अगेंस्ट
थी, केमिकल से भी कर सकते हो इंडक्शन करके, जैसे कि आप उनके अंदर पॉलीजेनिक कर सकते हो उनको, उनके अंदर म्यूटेशन के साथ साथ डिविजन चेंजेस कर सकते हो, बायोलॉजिकल वायरस से इन्फेक्ट करा के कर सकते हो. देयर वेरियस वेज ऑफ इंड्यूसिंग म्यूटेशन. व्हाट इज मेंशन इज फॉर मूंग बीन आपको आना चाहिए, ठीक है. देन दे से कि क्योंकि इनका जीन मिलना बड़ा मुश्किल होता है तो कहीं दूर दराज जंगलों में जाके मिलता है, तो जंगल माने वाइल्ड, तो एक वाइल्ड वैरायटी में आपको डिजीज रेजिस्टेंट जीन मिल सकता है कि जिसको सब कुछ सहने की आदत हो. जैसे आप देख सकते हो कि कोविड की इम्यूनिटी ज़्यादातर आपके उन एरियाज में जो रिमोट एरियाज है ना, जो जितने भी आपके अर्बन एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है. किनकी ज़्यादा होती है? जो टफ कंडीशन में रहते हैं. तो जो वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है. कौन सी ऐसी हमने वाइल्ड वैरायटी यूज़ करी किस प्लांट की? अगेन हम बोलते हैं भिंडी, जिसने हमारे को क्या दी? प्रभानी क्रांति. साइंटिफिक नेम ऑफ भिंडी, एबल मॉस्चस एस्क्यूलेंटस. ये आपको आना चाहिए कि ये भिंडी का साइंटिफिक नाम है. एक ही है जो आपको याद करना है पूरे प्लांट ब्रीडिंग में, कुछ मुश्किल नहीं है यार, है ना. तो ये तो आप याद कर ही सकते हो. जब आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो याद कर सकते हो तो फिर एक नाम में क्या रखा है? व्हाट्स इन द नेम, राइट? ठीक है, तो हो गई सारी वैरायटीज आपकी, हाई यील्डिंग भी हो गई आपकी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हो गई आपकी, डिजीज रेजिस्टेंट भी हो गई. अब हम बात करते हैं इंक्रीज न्यूट्रिशनल कंटेंट की. क्वेश्चन आते हैं द साइंस दैट डील्स विद द प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंक्रीज न्यूट्रिशनल कंटेंट, उसको क्या बोलते हैं? बेटा बायो फोर्टिफिकेशन, नाम पे क्वेश्चन आ जाएगा. अब इसके ऊपर हम बोलते हैं कि किस किस में क्या क्या चीज़ इंक्रीज करी गई थी. विटामिन कंटेंट, तो विटामिन ए रिच राइस, गोल्डन राइस, ठीक है. अगर कभी गोल्डन राइस पे क्वेश्चन आता है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपने प्रेफरेंस देनी है दैट इट इज विटामिन ए रिच ओवर इट्स डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है. इट्स अ विटामिन ए रिच राइस. देन विटामिन सी, विटामिन रिच की बात करें, जैसे विटामिन ए रिच है वैसे ही विटामिन सी रिच वैरायटीज भी बनाई गई. कौन सी वैरायटीज है जिनको विटामिन सी रिच बनाया गया? स्टार क्वेश्चन मार्क. आपका वैरायटीज विच वर कंपेयर्ड टू योर आयरन, जैसे जिसमें डाला गया, आपका प्रोटीन किसमें डाला गया, आपका विटामिन सी, जैसे कि आपका बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, स्पेशली विटामिन्स वाले तो आपको आने ही चाहिए. करेला, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो, इनको विटामिन सी रिच बनाया गया, ठीक है. आपका बीबीएम, पहले हमारे ब्लैकबेरी के फ़ोन चलते होते थे, आजकल जैसे एप्पल है ना, वैसे पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में बीबीएम के फ़ोन चलते होते थे, ब्लैकबेरी. तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, कि विटामिन सी कौन वाले थे? आपके ब्रासिका और आपका मस्टर्ड और आपका बथुआ, बीबीएम वाले, ठीक है. तो ये जो आपके लिए, इनको हमने विटामिन सी रिच बनाया था, विटामिन ए, विटामिन सी. ऐसे ही प्रोटीन रिच वैरायटी आपकी एटलस 66 वीट वैरायटी, उस पर क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सी आपकी ऐसी वीट वैरायटी है जो कि हाई प्रोटीन रिच है, एटलस 66, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं. आयरन रिच और ऑयल कंटेंट रिच, माइक्रो न्यूट्रिएंट इज योर आयरन मिनरल, तो ये जो आयरन रिच वैरायटीज हैं ये आपकी कौन सी थी? राइस को बनाया गया था मोस्टली, अगर आए तो आपने इसको मार्क करना है. और भी बोल सकते हो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन रिच आपके पास क्या है, आपके बथुआ और स्पिनच. नॉट मोस्टली आस्क, इफ यू कैन रिमेंबर, गुड. मोस्टली आस्क विटामिन ए, विटामिन सी एंड प्रोटीन रिच. माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर आपको आयरन रिच याद रखने हैं या कैल्शियम रिच याद रखने हैं, गुड फॉर यू, जितने कर सकते हो एटलीस्ट उतने तो कर लो, ठीक है. कमिंग नेक्स्ट, योर सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर. देखो सिंगल सेल प्रोटीन में एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है, एक सेल का प्रोटीन, वो एक सेल का प्रोटीन नहीं बना हुआ, वो एक सेल के ऑर्गेनिज्म से हमने प्रोटीन रिच फूड बनाया है. क्वेश्चन आते हैं सिंगल सेल प्रोटीन इज अ मिसनोमर, एज इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच एक्ट्स एज अ प्रोटीनेशियस फूड, और अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन रिच फूड. बड़ा सिंपल सा इसका हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि देखो आइडियली
क्योंकि खाना अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास गेहूं खाने को नहीं है, चावल खाने को नहीं है, तो लोग कहते चलो ठीक है अगर पौधे खाने को नहीं मिल रहे तो इंसान क्या खाए, इंसान आपका मीट खाना शुरू कर दे, बकरा खाना शुरू कर दे या मुर्गी खाना शुरू कर दे, क्योंकि हमें गेहूं और चावल और ये सब दालें नहीं मिल रही हैं तो क्या खाएं, तो ठीक है हम एनिमल्स खाना शुरू कर देते हैं। बट हमें ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एनिमल्स को फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जब वो प्लांट को खाते हैं, तो जब प्लांट उगेगा, प्लांट को एनिमल खाएगा तो एनिमल के पास खाना होगा, तो उसके लिए भी तो हमें फूड प्लांट उगाना चाहिए, तो हमें तभी खाना मिलेगा एनिमल से भी जब एनिमल प्लांट खाएगा, तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई कि प्लांट ही नहीं है तो एनिमल क्या खाएगा और हमें क्या मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये बोला कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन रिच फूड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एनिमल्स को खाने से भी वो प्रोटीन रिच फूड हमें मिलने वाला नहीं है। तभी कंपैरिजन किया गया था कि एक काऊ अगर हमें कोई प्रोटीन कंटेंट देती है और अगर हम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से वो प्रोटीन कंटेंट फूड मंगाते हैं या बनाते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस है बेटा, टन्स और मिलियंस में डिफरेंस है। कि इफ़ वी ट्राई टू क्रिएट अ प्रोटीन रिच फूड फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बाय मेकिंग इट एक्ट ऑन अ रॉ मटीरियल, जो आपका वेस्ट फूड है, जो आपको शुगर मोलासिस से मिलता है, जो आपको पोटैटो इंडस्ट्री से मिलता है, उस पर अगर आप इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एक्ट करने दो और उससे एक फूड प्रोडक्ट बनाओ, तो वो 25 टन प्रोटीन रिच फूड आपको बना के दे सकते हैं। तो यू नॉट ईटिंग अ सिंगल सेल विच इज एक्टिंग एज अ प्रोटीन, बट यू यूजिंग अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट अ मास ऑफ फूड विच इज रिच इन प्रोटीन। इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, विच इज अ सिंगल सेल्ड साइनोबैक्टीरिया दैट इज रूट और यूज्ड एज अ प्रोटीन रिच फूड और अ सिंगल सेल प्रोटीन, कैन एनीबडी टेल मी, टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच इज अ साइनोबैक्टीरिया दैट गिव्स अस प्रोटीन रिच फूड। Very, very, very important. Mentioned in your NCERT, in biological classification, and this chapter. Spirulina, very, very, very important. इसी पे एक question आता है, which single cell organism, again from biological classification, can be used as a space food? It's a green alga. Quickly, tick, tick, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Which green alga can be used as a space food? Very good, Bhumika. Chlorella. Very good, Sukanya. तो जब आप ऐसे question करते हो तब अपने आप को question किया करो, अच्छा अगर ऐसा आ जाए तो, अगर कुछ और पूछ लिया जाए तो, तो आप एक क्वेश्चन के साथ साथ चार क्वेश्चन रिवाइज करके अपने कम से कम 16 नंबर पक्के कर रहे हो। सो प्लीज व्हाइल यू आर रिवाइजिंग, व्हाइल यू आर रीडिंग अ चैप्टर, ट्राई टू रिलेट इट टू अदर चैप्टर्स, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट कैन बी द अदर प्रोबेबल क्वेश्चंस। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर टुमारो एट 8 AM। सो प्लीज जॉइन अस फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन, इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ थॉट, इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंपॉर्टेंट challenges which you face while attempting a question. I will show you how I can go wrong, where you can also go wrong while attempting a question. You will not repeat that mistake. Aajkal badi sari quotes change ho rahi hain. Pehle hota tha, do not count your chickens before they hatch. Ab hota hai, count your chickens before they hatch. Waise ye quote hai, history repeats itself. Main usko change karna chahti hu. History does not need to repeat itself. You need to learn from mistakes, ours and yours, so that you don't repeat that mistake. Okay? So, uske liye you will have to practice question. You will have to come tomorrow morning at 8 a.m. Ab single cell protein clear hai? Single cell organisms jo hume protein rich food denge, wo clear hai? Kyun hume animal content se utna protein nahi milega? Kyunki wo animal content pehle plant content khayega. उसकी एनर्जी आएगी, फिर जो एनिमल के अंदर है उसका भी 10% हमारे पास आएगा, तो हमारे पास कोई खासा प्रोटीन नहीं आता एनिमल खा के। जिन लोगों को लगता है कि वो नॉनवेज खा रहे हैं, वो प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, आप ये समझो कि उस एनिमल ने प्लांट खाया था तो उसके पास प्रोटीन था,
अब हम उसका प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें उसका भी 10% मिलेगा. तो दोज हु ईट वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड हैव इनफ प्रोटीन कंटेंट, उनको नॉन वेजिटेरियन कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है. चले जो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ. बाई 10% लॉ बड़ी ही लेम एक्सक्यूज है. कमिंग टू लास्ट एंड फाइनल टिश्यू कल्चर, जो हमारे स्टार्टिंग में भी मेंशन किया गया कि हमारे पास नई जेनेटिक टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आई हैं जिससे हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं. बेटा टिश्यू कल्चर में तीन वर्ड्स हैं जिन पे क्वेश्चन आता है, एक सोमा क्लोन, दूसरा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा आपका मेरिस्टेम कल्चर. तीन वर्ड्स, सोमा क्लोन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड योर मेरिस्टेम कल्चर. क्वेश्चन आता है वायरस फ्री प्लांट्स आप बना सकते हो बाय विच कल्चर टेक्निक. अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एनाटॉमी जानते हो, सेल स्ट्रक्चर जानते हो, क्लास 11th बेस की जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, वो स्पेशलाइज नहीं होते, वो सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, उनके पास वैक्यूल और स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनलीज नहीं होते, वो सिर्फ डिविजन का काम करते हैं. बेटा जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आप अपनी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी चेंज कर दो तो इंसेक्ट आपके पास नहीं आएगा, पैथोजन आपके पास नहीं आएगा. अगर आप ज़्यादा एसिडिक हो, आपके पास शुगर नहीं है, आपके पास नाइट्रोजन नहीं है, तो इंसेक्ट आपके पास नहीं आएगा. वैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल सिर्फ ग्रो करता है, उसके पास कोई फूड स्टोरिंग वैक्यूल नहीं है, उसके पास सामान ही नहीं है, तो कोई उसको इन्फेक्ट क्यों करेगा, नहीं करते. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नॉट इन्फेक्टेड. If you pick up the meristematic tissue and you use it for culture experiment, you can create a good variety of plant, even from a diseased plant source. अब मेरे पास एक viral infected plant है, मैंने जब उसको पाया तो मैंने देखा कि उसमें तो virus infected है, but इसमें बड़ी अच्छी quality है, color कितना सुंदर है, height कितनी ज़्यादा है, stem की height एकदम बढ़िया है, इसका root system कितना बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बस इसमें disease है, अब उसमें कैसे culture करूँ, उसका meristem उठा लो, चाहे वो अपाइकल हो चाहे वो इंटरकैलरी हो, मेरिस्टेम में वायरस नहीं होगा. एंड मेरिस्टेम कल्चर कैन प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट. स्टार 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 10,000 लगा लो, वो लाइन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है. मेरिस्टेम अपाइकल एंड एक्सिलरी दोनों, नॉट जस्ट अपाइकल. क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम्स कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वायरस फ्री प्लांट्स, अपाइकल एक्सिलरी. बोथ अपाइकल एंड एक्सिलरी लेटरल, आपने क्या मार्क करना है, बोथ अपाइकल एंड एक्सिलरी, ठीक है, क्योंकि वो इजीली एक्सट्रैक्टेबल है. लेटरल के लिए क्या पहले प्लांट को काटोगे, उसका जाइलम फ्लोएम अलग करोगे, फिर बीच में से निकालोगे, नहीं ना. तो कौन सा मेरिस्टेम आप यूज कर सकते हो, अपाइकल एंड एक्सिलरी. इससे आप क्या ग्रो कर सकते हो टिश्यू कल्चर में, कल्चर मीडियम में, आपके वायरस फ्री प्लांट्स, इन विट्रो वायरस फ्री प्लांट्स. ये दो ही लाइनें हैं जो इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में से. ऊपर वाला टिश्यू कल्चर, देखो एक कल्चर मीडियम होता है, एक आर्टिफिशियल मीडियम है जिसके अंदर हम प्लांट का एक सेल या पार्ट डालते हैं और फिर वो बार बार डिवाइड करते हैं और फिर उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन लेकर आते हैं. और ये प्लांट डिफरेंशिएशन कौन प्रमोट करता है, अगर 11वीं का बेस क्लियर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारे प्लांट के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट होती है इट इज़ रेगुलेटेड बाय प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. तो कौन से ऐसे हैं जो रूट डिफरेंशिएशन प्रमोट करते हैं, स्टार क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताओ. टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कि आपके पास एक टिश्यू कल्चर में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रूट डिफरेंशिएशन करेगा, रूट बनाने में मदद करेगा. वेरी गुड सुकन्या, परफेक्ट आंसर प्रांशु. इट इज ऑक्सिन, जो जल्दी देता है, भाई मैं उसी का नाम लेती हूँ, बाद में मेरे से झगड़ा मत करना, आपने मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है, आजकल बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं मेरी. फिर वो बोलते हैं कि स्टेम डिफरेंशिएशन या शूट डिफरेंशिएशन कौन करता है, साइटोकाइनिन. तो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक कल्चर मीडियम में ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन रेशियो ज्यादा है तो क्या बनेगा, रूट. अगर ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन रेशियो कम है तो क्या बनेगा, शूट. माइनस साइटोकाइनिन ज्यादा है, ऑक्सिन कम है, तो साइटोकाइनिन क्या प्रमोट करेगा, शूट डिफरेंशिएशन. तो दोनों का रोल है,
डिफ्रेंसिएशन के लिए, एक का शूट के लिए, एक का रूट के लिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है डिविजन की, कि भैया देर इज रैपिड सेल डिविजन इन अ कल्चर मीडियम विच कैन डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इन टू एनी पार्ट। अब आप देखो वही सेल है जो रूट भी बना रहे हैं, वही सेल है जो शूट भी बना रहे हैं, और वही सेल है जो आपका पूरा का पूरा प्लान बॉडी बना देगा उस रूट शूट से। तो इसका मतलब ये कुछ भी बन सकता है। ये कुछ भी बनने की प्रॉपर्टी क्या है? टोटी पोटेंसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि टिश्यू कल्चर में एक सेल रूट भी बन सकता है, वही सेल शूट भी बन सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी। क्वेश्चन आ जाएगा, विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट इज एक्सप्लॉयटेड इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देयर ग्रोथ एट टिप्स, देयर टोटी पोटेंसी, देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और कुछ भी उनका स्टोमेटा क्लोजर इन वाटर स्ट्रेस। किसको हम यूज करते हैं इन टिश्यू कल्चर? देयर टोटी पोटेंसी। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी वाई प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन एन आर्टिफिशियल मीडियम बट एनिमल्स कैन नॉट, बिकॉज एनिमल सेल्स आर नॉट टोटी पोटेंट। ओनली एम्ब्रियोनिक सेल्स आर टोटी पोटेंट। एंड आज की डेट में द स्टेम सेल्स, द एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफ यंग वंस व्हेन बॉर्न व्हिच आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, द ब्लड, द टिश्यू इज स्टोर्ड इन द होप कि मे बी इन सेल्स को, हम स्टेम सेल्स को आगे कभी आने वाले सालों में जब हमारी साइंस इतनी बढ़िया हो जाएगी कि हम उसका भी क्लोन बना पाएंगे, तो हमने पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी है, भले हो या ना हो। पर हाँ, हर पेरेंट आजकल अपने बच्चे का स्टेम सेल स्टोर करा है, भाई मैंने भी कराया, ठीक है। तो इन द होप कि आगे कभी आने वाले टाइम में भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, तो ये स्टेम सेल से क्लोन करके, जी हमें अब डोनर की जरूरत नहीं, हम लिवर अपने आप बना लेंगे क्लोन करके, हमें डोनर की जरूरत नहीं, हम आई अपने आप बना लेंगे। दो अभी बनी नहीं है किसी की भी, बट उम्मीद है कि हम कर सकते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? समझ में आया? और जो प्लांट पार्ट आप यूज करते हो, जो डिवाइड कर करके रूट या शूट बना सकता है, उसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं, जिसकी रीजेनरेशन होती है। सो दिस एक्स प्लांट इज यूज्ड फॉर अगेन डिविजन एंड डिफ्रेंसिएशन, एंड ये कम टाइम में ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना, इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्लांट का सोर्स लिया गया है, एक ही सेल है, कोई दो पेरेंट नहीं है। वन सिंगल पेरेंट वाली रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द यंग वन फॉर्म्स आर क्लोन्स ऑफ द पेरेंट। तो इसका मतलब अब जो हमारा यंग वन प्रोड्यूस होगा कल्चर मीडियम में, इट इज गोइंग टू बी अ क्लोन ऑफ द पेरेंट। तो वर्ड आ गया सोमा क्लोन, क्योंकि उनके सोमैटिक सेल, रिप्रोडक्टिव सेल तो नहीं उठाया मैंने, अपाइकल मेरिस्टेम उठाया, या फिर कोई प्लांट टिश्यू हो जाए जो रूट स्टेम लीफ से था, फ्लावर का मैंने एंड्रोशियम गाइनोशियम का सेल तो नहीं उठाया। तो क्योंकि हमने वेजिटेटिव सेल्स उठाए, सोमैटिक सेल्स उठाए, उससे क्लोन्स बनाए, तो सोमा क्लोन्स किस प्रोसेस से बनते हैं? सोमा क्लोन्स आपके माइक्रो प्रोपगेशन से बनते हैं, आपके टिश्यू कल्चर से बनते हैं। इज दिस अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट। अब आखिरी वर्ड जो हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर में, वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिड्स जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। अगेन सोमा वर्ड माने जनरल सेल, सोमैटिक सेल, उसको हमने ज्वाइन कर दिया किसी और सोमैटिक सेल से, अब उसकी हाइब्रिड कर रहे हैं, ब्रीड करा रहे हैं, उसे मेट करा रहे हैं उसको। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम दो सेल्स, दो ऐसे प्लांट स्पीशीज से चूज करते हैं जिनके पास डिजायरेबल कैरेक्टर है, एंड क्लासिक वर्ड जो बच्चे मिस कर देते हैं, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। किसकी फ्यूजन होती है? क्वेश्चन आएगा, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है या नहीं होती? प्लांट्स विदाउट सेल वॉल, उनका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा, उनको जब हम फ्यूज करेंगे सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होगा, आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म, योर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जब हम उनको फ्यूज करते हैं तो उससे जो हाइब्रिड मिलता है उसको हम सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली लिखा है सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बट सेल वॉल नहीं है, ठीक है। नेकेड प्रोटोप्लास्ट का मतलब सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, उनकी सेल वॉल हम डाइजेस्ट कर देते हैं। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा प्लांट है जो हमने बनाया है पोटेटो टोमेटो से पोमेटो बनाया है? दैट्स इट फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड वैरायटीज। अच्छा, मेरे लिए लड़ाई मत करो,
बताओ बताओ, कोई डाउट है, कोई चीज जो ना समझ में आई हो, कोई क्वेश्चन जो तुमने कभी सॉल्व किया और वो तुम्हें ना समझ में आया हो? सभी लोग टॉपर बन जाएंगे, ये सासिब, मैं तो चाहती हूं कि तुम सब में लड़ाई हो कि टॉप वन मैं आऊंगा। डिफरेंस इन सोमा क्लोन एंड कैलस, बेटा क्लोन इज अ सिंगल प्लांट और अ सेल और अ टिश्यू विच इज अ डिफरेंशिएटेड बॉडी, कैलस इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास। मैंने एक सिंपल सा, आप लॉजिक समझो, आई एम गोइंग टू द नोट्स एंड एक्सप्लेनिंग इट, जो आपका टिश्यू कल्चर है कि जो सोमा क्लोन बना है, दैट्स अ प्लांट, यंग प्लांट, यंग प्लांट जिसमें रूट भी है, जिसमें शूट भी है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएटेड बॉडी है। जो आपका कैलस है, जो एक्स प्लांट से हम कैलस बनाते हैं, दिस कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड। एंड व्हेन इट इज अनडिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंस हो गया, तो कैलस में जब डिफरेंशिएशन आती है तब वो सोमा क्लोन बनता है। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? हनी बी, ओके, वील गो टू हनी बी। देखिए हनी बी में आपको ये ध्यान रखना है, हम अब वही वाली बात है कि ये मत पूछना कि पहले मुर्गी आई या अंडा, ठीक है, कि पहले फीमेल हनी बी आई या फिर मेल हनी बी आया, तो उसका गैमेट कैसे आएगा। हम मान के चलते हैं एक मुर्गी भी थी, एक मुर्गा भी था और अंडा भी था, वैसे ही एक फीमेल हनी बी भी थी और एक मेल हनी बी भी था फ्रॉम द स्टार्टिंग, हम वो मान के चल रहे हैं, मैं एवोल्यूशन में नहीं जा रही हूं, ठीक है। अब क्या होगा जब इनकी रिप्रोडक्शन होगी, व्हाट आर गोइंग टू बी द स्टेप्स, वी से दिस इज गोइंग टू फॉर्म गैमेट्स, हैप्लॉयड, ठीक है। इफ दिस हैप्लॉयड गैमेट डज नॉट शो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या बनाएगा, ड्रोन। लाइकवाइज इफ इट फॉर्म्स ए गैमेट विच शोज नो फर्टिलाइजेशन, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ ड्रोन। तो वो गैमेट जो फर्टिलाइजेशन शो नहीं कर रहा है, चाहे वो फीमेल का है चाहे वो मेल का है, वो क्या बनाएगा, ड्रोन। That gamete which shows fertilization, चाहे वो इसका है चाहे वो मेल हनी बी का है, इट कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इट कैन फॉर्म अ क्वीन बी जो कि डिप्लॉयड है, और इट कैन फॉर्म अ वर्कर बी जो डिप्लॉयड है। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? तो हमारे पास दो तरीके के गैमीट्स होते हैं, अगर क्वेश्चन है वॉट टाइप ऑफ गैमीट्स कैन हनी बी फॉर्म, the ones which form fertilization, the ones which do not show fertilization, unfertilized and fertilized, two type of gametes, ek jo haploid organisms develop karenge aur ek jo diploid organisms develop karenge, vedanti artificial insemination, okay, I've got an image for it, maybe dekh ke aapko samajh mein aa jaye, this is artificial insemination, can you appreciate that when the semen with the help of a needle is injected inside the reproductive tract of the female, I hope now you can appreciate this. This is the needle. When it transports the semen, the collected semen from the superior male, inside the reproductive tract of the female cattle, it is known as artificial insemination.
हेलो फैमिली मालवी सी बेटा ओके वैष्णवी वी कॉल इट अ हाइब्रिड वैष्णवी नेहा आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीडिंग ये सिंपल सा फ्लोचार्ट मैंने बनाया है कि आपको तीन क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं जब आप ब्रीडिंग पढ़ रहे हो स्पीशीज ब्रीड और फैमिली ट्री समझते हो ना जो मैंने आपको समझाया था कि ना वो आपका रियल ब्रदर सिस्टर है ना वो आपका कजन है वो आपसे रिलेटेड नहीं है ठीक है फ्रॉम फर्स्ट थ्री जनरेशन 10-15 जनरेशन पहले शायद आपके फोर फादर सेम होंगे तभी आप सेम ब्रीड में हो तभी अमरीशपुरी भी ठकराल था और मैं भी ठकराल हूँ है ना बट हमारा सेम फैमिली ट्री नहीं है वैसे वाले जो सेम ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि ठीक है ठकराल है बट सेम फैमिली ट्री नहीं है जिसको हम बोलते हैं गोत्र अलग होना ठीक है हमारे इंडियन कल्चर में ये गोत्र और ऑनर किलिंग वाला तो तुम्हें मालूम ही होगा तुमसे ज्यादा कौन जानता है आज के बच्चों को हाँ तो हमारी कास्ट सेम है हमारा रिलीजन सेम है बट गोत्र अलग है जब वैसी वाली मीटिंग हो उसको हम आउट क्रॉसिंग कहते हैं सेम स्पीशीज सेम ब्रीड बट डिफरेंट गोत्र ठीक है दैट इज आउट क्रॉसिंग अब जब सेम स्पीशीज हो बट ब्रीड ही अलग हो कास्ट ही अलग है इंटरकास्ट तो उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग अब ह्यूमन और डॉग का मैं एग्जांपल नहीं दूंगी जब डिफरेंट स्पीशीज हो तो वो क्या हो गई क्रॉस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज दिस थिंग अंडरस्टूड आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग गोत्र अगर मालूम है तो समझ जाओगे पश्मीना इज नॉट पश्मीना हम बोलते हैं कि शीप से वूल आती है बट इट्स अ गोट एक स्टार क्वेश्चन मार्क है पश्मीना इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ शीप दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ गोट हाउ एम्ब्रियोज आर देखो सर्जरी का मतलब समझते हो शरीर को काट देना ठीक है नॉन सर्जिकली कैसे उठाया जाता है जैसे ये पिपेट दिख रही थी एक पतली सी सिरिंज जिससे हम सीमन इंसर्ट कर रहे हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वैसे ही एक पतली सी सिरिंज होती है ठीक है जिसको हम पिपेट बोलते हैं सर्जिकल माइक्रो पिपेट उसको इंसर्ट करते हैं और सक्शन के थ्रू एग्स रिट्रीव कर लेते हैं ओवरी से जो IVF टेक्निक में भी किया जाता है ठीक है नॉन सर्जिकली एग्स रिमूव करे जाते हैं जो IVF आप पढ़ते हो एज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक उसमें भी पहले एग्स निकाले जाते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल ओवरी से एग्स निकाले जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि पहले हम पेल्विस एरिया में स्किन काटते हैं मसल काटते हैं फेशिया काटते हैं उसको सारे को खोलते हैं ओवरी को देखते हैं फिर ओवरी को काटते हैं फिर उसमें से ओवा निकालते हैं नो दैट इज सर्जरी जब आप सिर्फ एक बाहर एक्सटर्नली एक नीडल के थ्रू जैसे एमनियोसेंटेसिस है नॉन सर्जिकल होता है टेस्ट है वैसे ही जैसे आप नीडल के थ्रू एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड निकाल सकते हो आप एक नीडल के थ्रू ओवरी में से एग निकाल सकते हो ओके बेटा मैरी कल्चर इज ओनली फॉर मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स Aquaculture includes both fresh water as well as marine water and plants and animals. Mariculture is restricted to marine waters. Hybrid vigor, माने वो कितना चालू है उसमें कितनी अच्छी qualities है वो hybrid vigor है वो कितना vigorous है वो disease resistant भी है वो high yielding भी है वो high nutrition content भी है वो hybrid vigor कहलाता है अक्षय आई जस्ट टोल्ड व्हाट इज मैरी कल्चर वी डू नॉट प्रैक्टिस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हर्ष करंटली टू क्रिएट हाइब्रिड वैरायटीज इफ यू वांट कम टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock आई एम गोइंग टू फाइंड आउट मोर एग्जांपल्स एंड कीप देम फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ओके
पेल्विस और पेल्विक, जैसे कल मैंने बताया कुछ, कभी हम बोलते हैं ना कि एक होता है मनी एक होता है वेल्थ, मेरे पास पैसा है मेरे पास मनी है मैं वेल्दी हूँ, एक प्रॉपर्टी और एक फिजिकल यूनिट है, ठीक है। पेल्विक इज अ फिजिकल एरिया, पेल्विस हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं, इज दिस थिंग जैसे सर्कल और राउंड, वैसे ही पेल्विक और पेल्विस, क्या फर्क है सर्कल और राउंड में, सर्कल एक चीज को बोलते हैं राउंड एक शेप का नाम है, वैसे ही पेल्विक एक चीज को बोलते हैं पेल्विस उसका नाम है, ओके। बेटा बॉडी का सबसे बड़ा सेल है उसका साइज क्या होता है, एग कैन बी अ मैक्सिमम सेल फॉर एन ऑस्ट्रिच नॉट फॉर अ ह्यूमन और अ कैटल, ये भी तो देखो। हर्ष एनसीईआरटी और आपके नोट्स इनफ है, देखो इनफ तो कभी कुछ भी नहीं होता, दिल मांगे मोर, बट यस आई कैन गारंटी दैट आवर नोट्स एंड आवर एनसीईआरटी मार्किंग्स कैन हेल्प यू स्कोर इन द लीस्ट 80% मार्क्स, वो 20% आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है बेटा। ओके दीपांजन, आई क्विकली गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग वंस अगेन, शॉर्ट में 5 स्टेप है, एक चीज तो याद रखनी है, हम 5, ठीक है। और ये हम 5 हम कैसे अचीव करते हैं, पहले पेरेंट वाले पार्ट देख लेते हैं फिर बच्चों वाले, ठीक है। हम बोलते हैं पेरेंट्स को पहले चुना जाता है, कैसे चुनते हैं हम उनको ढूंढ के निकालते हैं पूरे जीन पूल में से, ठीक है। स्वयंवर कराया जाता है पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कि सारे के सारे आ जाओ जो एक जैसे एक साथ हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म जर्म पूल, ठीक। उसके बाद उनमें से अच्छे अच्छे चुने जाते हैं, उनकी सिलेक्शन करी जाती है, उनकी इवैल्यूएशन करी जाती है, उनको हम मोनोहाइब जो हम बोलते हैं मोनो एक जैसा होमोजाइगस कंडीशन में लेकर आते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट 2 स्टेप्स हो गए, पहले कलेक्ट किए फिर सिलेक्ट किए, फिर आगे के 2 स्टेप। अब पेरेंट्स तो आगे, अब हमें बच्चे पैदा करने हैं, तो हमने कैसे कराने हैं, उनकी ब्रीडिंग करानी है आपस में, हाइब्रिडाइजेशन, बच्चे पैदा हो गए अब पास और फेल करने हैं, सिलेक्शन करेंगे उनकी, तो अगले 2 स्टेप हो गए। अब जब हमारे पास पेरेंट्स भी आ गए, बच्चे भी बन गए, अच्छे चूज भी कर लिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें उनको नौकरी पर डाल देना है, अब हम उनको उनकी मार्केटिंग कर देनी है और पैसा कमाना है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, 5 स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, 2 पेरेंट्स के हैं 2 बच्चों के हैं, उसके बाद पैसे कमाने हैं। इज दिस थिंग अंडरस्टूड, एनी अदर डाउट एनीबडी? भरत मिलाप ना करें, पढ़ाई कर लें, ये मिलन मिलाप तो होते रहेंगे बेटा, सिलेक्शन कर लो नहीं तो रह जाओगे। थैंक यू लोलो, ऑल क्लियर नो डाउट। सो टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग टू सी यू एट 8 AM विद ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड हर्ष स्पेशली फॉर यू एग्जांपल्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। आकांक्षा जितने कर लो उतने अच्छे हैं, बट इफ यू वांट टू आस्क मी कि मिनिमम कितने करने चाहिए, देन लास्ट 10 years, यस, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, नो डाउट। इफ यू वांट टू नो माय टेलीग्राम फॉर DM, please check your group in which you are added. All the people who are subscribed to Udaan Saksham Prime, we are added in a group. You enter the group, I am a member of it. You select and DM me. See ya. I'm going to see you tomorrow morning. Till then, good night. Take care. Bye-bye. Thank you very much.